के बिजवासन में हनुमान जयंती पर बर्तल गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर को गांव वालों के सहयोग से उसका सौंदर्यकरण किया गया और बर्तल गांव की महिलाओं ने हनुमान जयंती पर कलच यात्रा निकाली जो गांव में घूमकर हनुमान प्राचीन मंदिर पर खत्म हुई। हनुमान जयंती पर गांव वालों ने हनुमान मंदिर में नई मूर्ति लगाई। इस मंदिर में सभी धर्म के लोग अपनी मनोकामना मांगने आते हैं और जैसे कि बताया गया सभी की मनोकामना पूरी होती है। हनुमान जयंती पर बर्तल गांव के लोगों ने भंडारे का आयोजन किया जिसमें आसपास के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मीडिया से रामनिवास पहलवान व अन्य लोगों ने बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। देखो आज हनुमान जयंती है, पहले तो मैं पूरे देश में पूरे सबको हनुमान जी की शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक। दूसरा, ये हनुमान जी का जो हमारा मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जब 81 में 79 में चकबंदी हुई उससे पहले ही ये मंदिर है, और जब चकबंदी हुई तो उस चकबंदी में इसकी मंदिर की जमीन कायम होगी। ईब उसके बाद ये मंदिर तो प्राचीन है, चलता रहा था। पुराना मंदिर होने के कारण इसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, तो गांव वासियों ने सब ने मिलकर इसका जो है मंदिर का नया रूप, जो नई बिल्डिंग नया मंदिर ये आप देख रहे हो, ये पूरे गांव वासियों ने एक नई बिल्डिंग और नया मूर्ति रखी है। मंदिर नया नहीं है, मंदिर पुराना ही है, मंदिर प्राचीन मंदिर हनुमान है ये। गांव सबसे पहले हमारा दादा मोटा मंदिर था, दादा मोटा जी श्याम मंदिर ले आए, फिर दादा मोटे ही हनुमान जी की मूर्ति ले आए, उन्होंने ये यहाँ रखी, तो इसलिए हमारा कुल देवता दादा मोटा है और दादा मोटे ने ही श्याम बाबा की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति इन्होंने ही ये रखी गई है। कितनी फुट घर घर भी हनुमान जयंती मनाई जा रही है, हाँ। क्या लगता है सर सतयुग की ओर आ रहा है क्या? देखो जो आप बात प्रश्न कही, पहले भी हनुमान जी की जय बोलते थे, जय श्री राम का देश है, ठीक है ना। ये जो है राम की बुनियाद है, राम की बुनियाद है, राम जी का देश है, इसमें सब धर्मों के रहते हैं, हम ये नहीं कहते, हर मजहब के रहते हैं, पर हर मजहब के इस देश में रहते हैं, पर बुनियादा दादा लाई के, जैसे गांव में कहते हैं दादा लाई जो है ये राम का देश है, राम के वंश है, राम की ये परंपरा चली आ रही है। तो इसलिए दिवाली ने होली ने हर त्यौहार को हम हनुमान जी को और श्री राम को पूरा देश मानता है। और तो क्या मैं यहाँ लग कह सकता हूँ, इस मंदिर में हर धर्म के आदमी आते हैं, मानते हैं और उनकी अपनी कामना भी मानते हैं। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, यहाँ हर धर्म के आदमी यहाँ पर आकर अपनी मानता मानते हैं, हिंदू नहीं, हर धर्म के। धन्यवाद। आज जो मूर्ति लगाई गई, क्या संदेश देना चाह रहे आसपास के लोगों को या देशवासियों? आज ये जो मूर्ति लगाई है ये संदेश देना चाह रहा हूँ मैं पूरे हिंदुस्तानियों को। हिंदुस्तान में तकरीबन पुराने मंदिर खंडित होते जा रहे हैं, कई जगह आपने देखे होंगे, तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी पुराने मंदिर होते जा रहे हैं उनकी बिल्डिंग या मूर्ति जर्जर हालत में है, उनको सबको जो है नई दिशा में नई बिल्डिंग खड़ी करो, नई मूर्ति लगाओ। जैसे आज हमारे बर्थल गांव वालों ने नई मूर्ति स्थापना की, नया मंदिर ये बनाया, पहले पुराना मंदिर था जर्जर हालत में हो रहा था, तो इससे मैं यही कहूँगा कि इससे ये सबक लो कि हर मंदिरों की बिल्डिंग,
हर हनुमान की मूर्ति जो जर्जर हालत में है या और भी मंदिर है, सब नए सिरे से उन्होंने अच्छी बिल्डिंग अच्छा मंदिर बनाओ, इतना ही कहते हुए मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ और सबको जय हिंद करता हूँ। जय भारत माता की। हाँ, खजान सिंह। खजान जी क्या कहेंगे आज? खजान सिंह, हाँ भाई, आज बहुत बड़ा शुभ दिन है हनुमान जयंती के, और हमारे हनुमान जी की नई मूर्ति की स्थापना हुई है, नया मंदिर बन के तैयार हुआ है और स्थापना हुई है। कितने सालों से मानते हैं? हम तो जब बचपन से मानते हैं, हम तो हनुमान जी को मंदिर की मंदिर से तो पुराने मंदिर से पहले, अब नए शेप में आया है, बड़ा मंदिर बना है, पहले छोटा मंदिर था। मंदिर तो बहुत प्राचीन है। मेरा नाम राज सिंह गोदारा, मैं भरतल का ही रहने वाला हूँ। आज प्राचीन हनुमान मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हुई है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष में पूरे गांव ने मिलजुल कर पूरे गांव की तरफ से आज ये प्राचीन हनुमान मंदिर में मूर्ति की स्थापना की और भंडारा चालू है और गांव का धूमधाम से आज ये प्रोग्राम हुआ है। इसके द्वारा कराया जा रहा है, ये गांव के द्वारा पूरे गांव। पहले राम की लय थी, अब हनुमान की लय चल रही है पूरे भारत में। देखो, हनुमान तो पुजारी हैं श्री राम के, और देश तो श्री राम का है, भारत है, तो सब जय श्री राम। बोल बाबा बजरंगी की जय। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।